आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको ये बताऊंगा कि फ्लिपकार्ट पे लिस्टिंग कैसे करते हैं विदाउट ब्रांड। मतलब कि आप कोई प्रोडक्ट है जो लिस्ट करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, और आपके पास कोई ब्रांड नहीं है, तो आज हम वो कैसे करेंगे। देखिए, जब भी आपको किसी विदाउट ब्रांड कोई लिस्टिंग करनी होती है तो आप इसको एज अ जेनरिक प्रोडक्ट, मतलब कि लोकल प्रोडक्ट बेच सकते हैं। अमेजोन पे ये तरीका अलग है, फ्लिपकार्ट पे तरीका बिल्कुल अलग है। तो आज हम सीखते हैं फ्लिपकार्ट पे कैसे करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना फ्लिपकार्ट का सेलर का डैशबोर्ड खोल लेंगे। यहाँ पे लिस्टिंग्स पाएंगे और माय लिस्टिंग्स पाएंगे। अभी हम करेंगे सिंगल लिस्टिंग, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू लिस्टिंग पे और ऐड सिंगल लिस्टिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है। अब आपको अपनी कैटेगरी चुननी है, मतलब कि वर्टिकल चुनना है कि आप क्या बेचना चाहते हैं। अब या तो आप ये वर्टिकल यहाँ सर्च करके भी चुन सकते हैं, या अगर आप सर्च करके नहीं चुनना चाहते हैं तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में से यहाँ चुन सकते हैं, जो कि अभी लोड हो रहा है। मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ। हाँ, इस तरीके से या ड्रॉप डाउन मेन्यू में से चुन सकते हैं, या फिर यहाँ सर्च करके चुन सकते हैं, ठीक है। या आपके पास पहले से सेव पड़ी हो तो उसमें से चुन सकते हैं। मैं टी शर्ट चुन लेता हूँ, वर्टिकल में पहले से सेव पड़ा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है कि आपका जो प्रोडक्ट होगा उसमें क्या क्या अलाउड है, क्या क्या अलाउड नहीं है, आप उस हिसाब से चेक कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ दबा देंगे सेलेक्ट ब्रांड। अब फ्लिपकार्ट पे तीन तरीके से लिस्टिंग होती है। एक तो ब्रांडेड प्रोडक्ट, जिसके लिए प्रोसेस अलग है, इस पर मैंने चैनल पे वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। एक होता है ओन ब्रांडेड, मतलब अपने ब्रांड से आपको करना है, इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, आप जाकर देख सकते हैं चैनल पे। और अब है विदाउट ब्रांड, मतलब आप पे कोई ब्रांड है ही नहीं, ठीक है। तो आप पे अगर कोई ब्रांड नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको कुछ ऐसा यहाँ पे ब्रांड नाम डालना है जो कि गेटेड ब्रांड भी नहीं है। गेटेड ब्रांड समझते हैं, गेटेड ब्रांड मतलब एडिडास, नाइक वगैरह, वुडलैंड, ये गेटेड ब्रांड है, पब्लिक कंपनीज है, प्राइवेट कंपनी, लिमिटेड कंपनीज है, तो यहाँ तो आपको नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो विदाउट ब्रांड करना है तो ये चीज़ें नहीं डाल सकते आप। और एक होता है ट्रेडमार्क वाले ब्रांड, मतलब किसी और ने ट्रेडमार्क ले रखा है, वो भी नहीं कर सकते, मतलब वो भी मना कर देंगे। मैं आपको करके दिखाता हूँ। चलो एग्जांपल, मैं एक गेटेड ब्रांड लेता हूँ, जिसमें मैं डालता हूँ नाइक, और मैं दबाऊंगा चेक ब्रांड, तो कह रहे हैं कि नहीं, आपका ऑथराइजेशन की ज़रूरत होगी। तो अब हमें क्या करना है, मैं ऐसा क्या करूँ कि विदाउट ब्रांड बेच सकूँ इसको, अपनी लिस्टिंग को। तो इसमें आपको क्या करना है, कोई रैंडम नेम डाल के देखना है, कोई भी, समझना है। जैसे कि मैंने इतने सारे रैंडम नेम्स यूज़ कर चुका हूँ रिसेंटली अपनी लिस्टिंग में, मैं इनमें से एक चुनता हूँ, पार्क जेनेसिस के नाम से रैंडम नेम है। अब मैंने रैंडम नेम डाला तो ये कह रहे हैं आप इस ब्रांड नेम के अंडर सेल करना शुरू कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आप रैंडम नेम डाल के देखेंगे, जिसमें आपको परमिशन मिल जाए, जिस भी ब्रांड नेम में आप दबाएंगे क्रिएट न्यू लिस्टिंग, ठीक है। तो ये विदाउट ब्रांड में ऐसी लिस्टिंग करते हैं। अब बाकी की लिस्टिंग की प्रोसेस मैं आपको बताते जाता हूँ, सैम्पल लिस्टिंग के तौर पर मैं जल्दी कर लेता हूँ उसको। यहाँ इमेज ऐड करेंगे, ये मैंने इमेजेस ऐड कर ली, आप चाहें अपने हिसाब से कर लेंगे, और सेव दबा दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी इमेजेस ऐड हो गई, एरर आ रहा है, अभी डालना है हमें ये, ठीक है ना। इसके बाद हमें प्राइस, स्टॉक और शिपिंग वाला कॉलम ऐड करना है। इसमें जितनी भी स्ट्रा वाली फील्ड्स हैं सब नेसेसरी हैं, ठीक है ना, ये तो आपको डालनी पड़ेंगी। तो सेलर एसक्यू आई डी डालेंगे अपने हिसाब से, जो भी होगा आप अपने हिसाब से बना कर डालेंगे। लिस्टिंग स्टेटस डालेंगे एक्टिव। अब मैक्सिमम रिटेल प्राइस अपने हिसाब से डालेंगे, योर सेलिंग प्राइस मैक्सिमम रिटेल प्राइस से हमेशा कम होगा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। और आपका मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है तो सेलेक्ट करेंगे, फुलफिलमेंट बाय सेलर, प्रोक्योरमेंट टाइप मतलब इन स्टॉक, यहाँ पे कितने दिन में हैंड ओवर कर पाएंगे, मैं डालूँगा 2। स्टॉक कितने पीसेस हैं आपके प्रोडक्ट के, शिपिंग प्रोवाइडर कौन है फ्लिपकार्ट, लेंथ डालेंगे प्रोडक्ट की जो भी होगी सेंटीमीटर्स में, एक सेकंड, पैकेज की है पूरे, ठीक है ना, पूरे पैकेट के लेंथ पे हाइट, पैकेज की लेंथ, ब्रेथ पैकेज की, पैकेज की हाइट, और वेट इसका केजीस में, जैसे 200 ग्राम 0.200, ठीक है। एचएसएन कोड, फाइंड रेलेवेंट एचएसएन कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से चुन लेंगे। अगर आपको यहाँ से नहीं मिल रहा है एचएसएन कोड तो इंटरनेट पर डालेंगे अपने प्रोडक्ट का नाम, एचएसएन कोड, ठीक है, मिल जाएगा। यहाँ पर डाल लग्जरी शेस नहीं लगता है इस पर, टैक्स कोड में आएगा, जीएसटी अप्रैल कपड़ों के लिए आएगा, आप अपने हिसाब से टैक्स कोड चुनेंगे,
कंट्री ऑफ ओरिजिन क्या है, इंडिया। आप अपने हिसाब से अपनी कंट्री ऑफ ओरिजिन चुनेंगे कि प्रोडक्ट कहाँ बना है, ये कहाँ से आया है प्रोडक्ट, ठीक है। मैन्युफैक्चर डिटेल्स में अपना एड्रेस डाल लेंगे, शॉप का एड्रेस डाल लेंगे, नहीं तो फिर घर का एड्रेस डाल लेंगे। पैकर डिटेल्स में भी ऐसे करेंगे, ऊपर वाले से बस थोड़ा बदल कर डालना है। अगर नहीं है आपका पैकर का अलग से एड्रेस, तो मतलब कुछ भी रैंडमली एड्रेस डालना है अपने घर का, शॉप का, कहीं का भी, ऑफिस का डाल लेंगे, ठीक है। इसमें एक एरर आ रहा है, देखते हैं, कुछ भूल गया शायद मैं, जल्दी जल्दी में भूल गया। टैक्स कोड, टैक्स कोड 18 यहाँ पे, टैक्स कोड में प्रॉब्लम हो गया था, सॉरी। डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है, या टाइप में हम चुनेंगे कि टाइप क्या है, स्टैक होल्ड अपने हिसाब से डालेंगे कुछ भी। साइज चुनेंगे जो भी है, अगर आपको वेरिएशंस बनानी है इसमें तो मैंने इस पर भी वीडियो बनाया, चैनल पे चेक कर सकते हैं। पैटर्न जो भी होगा अपने हिसाब से चुनेंगे, प्रोडक्ट का कलर चुनेंगे प्रोडक्ट का, जो भी होगा फैब्रिक चुनेंगे प्रोडक्ट का अपने, सब ईमानदारी से चुनेंगे सब कुछ। ब्रांड कलर आइडियल फॉर किसके लिए, कपल, मैन, वुमेन, और स्लीव सेलेक्ट करेंगे, ओकेशन सेलेक्ट करेंगे अपने प्रोडक्ट का। पैक ऑफ मतलब एक प्रोडक्ट में कितने पीस आएंगे, एक पैकेज में कितने आएंगे। फैब्रिक केयर, जैसे इसमें मैं डालूंगा डू नॉट ब्लीच, अगर आप और भी डालना चाहें फैब्रिक केयर तो डाल सकते हैं। फिलहाल मैं आपको दिखाने के लिए फटाफट कर रहा हूँ। टाइप चुनेंगे, सूटेबल किसके लिए है चुनेंगे, और सेव दबा देंगे। ये भी हो गया। अभी एडिशनल डिस्क्रिप्शन है, ये ऑप्शनल है। वैसे एडिशनल डिस्क्रिप्शन में बहुत सी जरूरी चीज़ें होती हैं, जैसे कि डिस्क्रिप्शन, कीवर्ड्स, की फीचर, ये सब मैंने आपको सिखाया हुआ है, चैनल पर डाले हुए हैं इनकी वीडियो। जब आपकी सारे एक्स्ट्रा वाले फील्ड्स डल जाएँ और सारे ये तीनों कॉलम राइट आ जाएँ, तो आप सबमिट सेंड टू क्यूसी कर सकते हैं। आपकी फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग विदाउट ब्रांड आप देख सकते हैं सबमिट होगी सक्सेसफुली। अभी थोड़ी देर में रिफ्लेक्ट करने लग जाएगी, अभी क्वालिटी चेक के लिए गई है, थोड़े समय में आपको ईमेल भी आ जाएगा जब आपकी अप्रूव हो जाएगी लिस्टिंग। थोड़ी देर में ये अप्रूव हो जाएगी और मतलब जैसा होगा आपको पता चल जाएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको और भी फ्लिपकार्ट से रिलेटेड वीडियो सीखने हैं, अगर कि ये ब्रांडेड लिस्टिंग कैसे करते हैं, नॉन ब्रांडेड की, ओन ब्रांडेड की कैसे करते हैं, वेरिएशन लिस्टिंग कैसे करते हैं, अमेजोन के वीडियो सीखने, ईबे पे सेल करना चाहते हैं, तो चैनल की प्लेलिस्ट है वो आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना था, थैंक यू।